हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द फ्यूजन क्लासेस। जैसा कि मैंने आप लोग सबको वादा किया था कि हम लोग ग्रेजुएशन का सीरीज पूरा स्टार्ट करेंगे, तो आज पहला क्लास है जिसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। ये सेमेस्टर वन का सारी यूनिवर्सिटीज का पहला चैप्टर यही है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली बहुत पीछे से हम लोग को स्टार्ट करना रहता है, जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हो गया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, है ना। पर उतना ज्यादा हम लोग के ग्रेजुएशन के सिलेबस में नहीं रहता, तो मैं उतना डीपली एकदम इनिशियल वे में नहीं चलता हूँ। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास 11 में डिस्कवरी वगैरह पढ़े हो, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट जो स्टार्ट करेंगे वो कहां से करेंगे, एटॉमिक मॉडल से। तो हम लोग, जैसे सबको पता है कि जो तुम्हारे सिलेबस में है, सबसे पहला जो है ना बोर थ्योरी से स्टार्ट है। पर बोर क्यों आया, बोर का एग्जिस्टेंस क्यों आया, उसके लिए हमको थोड़ा सा हम पीछे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो एक लेक्चर आप लोगों को थोड़ा सा लग सकता है कि भाई ये तो सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा इसका नेसेसिटी है, क्योंकि मैं अगर बोर्ड के तरफ मूव कर रहा हूं उससे पहले हम लोग को थोड़ा बेसिक जो मॉडल्स होते हैं ना वो पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और हम लोगों के ग्रेजुएशन का पूरा कंप्लीट एक नया सिले से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग को पता है एटॉमिक मॉडल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के एटॉमिक मॉडल सबको ही पढ़ते हो, है ना। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं चार तरह के एटॉमिक मॉडल, जिसमें सबसे पहला क्या है, थॉमसन्स मॉडल, है ना। दूसरा क्या है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। तीसरा क्या है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। और चौथा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बेसिकली जो तुम्हारे ग्रेजुएशन के सिलेबस में है वो कौन कौन सा है, ये दोनों जनरली सबके सिलेबस में है, सारे यूनिवर्सिटीज के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये दो मॉडल है। पर हम फिर भी हम स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, थॉमसन मॉडल। मे बी अगर किसी को रिक्वायरमेंट ना हो तो इसको आप स्किप कर सकते हो, इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप स्किप कर सकते हो। पर मैं बोलूंगा इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा इस सारे वीडियोस को, ज्यादा देर का वीडियो तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग सारे को ही इस वीडियो को गो थ्रू करना और हर वीडियो के, अच्छा एक और मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इस वीडियो सीरीज में, कि हर वीडियो के बाद में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उस वीडियो से रिलेटेड आप लोग को मिलेंगे, ताकि हम लोग तो पहले सारा सब्जेक्टिव को कवर करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग क्या कर लेंगे कि हम लोग को क्लासेस समझ में आया, मेरे से क्वेश्चन बन रहा है, ये भी। प्लस जितने भी स्टूडेंट्स, ये सिर्फ ग्रेजुएशन के, मैं तो सिंपल एक लेक्चर के बेस में बोल रहा हूँ कि मैं ये ग्रेजुएशन का वीडियो बना रहा हूँ, पर इसके साथ साथ ये सारे चैप्टर्स, मैक्सिमम चैप्टर्स क्या है, जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आई बात समझ में, उसके बाद तुम्हारा आईआईटी जैम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो सबको भी मैं कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा कवर करने। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला मॉडल, दैट इज थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल आने से पहले ध्यान, अब अच्छे से समझना, तो थॉमसन मॉडल आने से पहले थॉमसन मॉडल आने से पहले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो चुका था, न्यूट्रॉन का तब तक किसी तरह का कोई एग्जिस्टेंस नहीं आया था, आई बात समझ में। तो हम लोग थॉमसन मॉडल सबसे पहले मूव करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन का पूरा नाम हम लोगों को पता है, जेजे थॉमसन है ना। जेजे थॉमसन क्या किया था, पहला एटॉमिक मॉडल दिया था, पहला एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया गया था किसके थ्रू, जेजे थॉमसन के थ्रू। और थॉमसन का कहना था कि जो एटम होता है ना वो स्फेरिकल होते हैं, एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और ये जो एटम होता है ये बेसिकली कैसा चार्ज होता है, ये जो स्फीयर है, लेट्स जस्ट एक मैं एक डेमो दे रहा हूं, जैसे मान लो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ये मेरा, मान लो ये स्फीयर है, ठीक है। तो थॉमसन का कहना था ये जो स्फीयर है ना जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है, स्फीयर क्या होता है, जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पे अनयूनिफॉर्म मैनर का मतलब होता है कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम, इस तरह से फैले हुए रहते हैं। फिर से समझना, स्फीयर कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, स्फीयर कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज अंदर में कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है।
इसका मतलब थॉमसन का मेन काम क्या था, वो बताना चाह रहा था कि एटम जो है ना एज ए होल क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब एटम एज ए होल क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब उसमें किसी तरह का ओवरऑल चार्ज नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एटम को छुए और करंट मार दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। आई बात समझ में सबको क्लियर है? तो बस यही चीज थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अब इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखो यही चीज जे.जे. थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम पॉजिटिव स्फेरिकल शेप। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है जिसका रेडियस कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली रेडियस 10^-10 मीटर होता है। इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरा एटम कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ध्यान देना टर्म यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड, इम्बेडेड मतलब समझते हो, इम्बेडेड मतलब होता है कि भाई उसके अंदर जैसे कभी केक बनते देखे, केक के अंदर क्या करते हैं ना, चेरी को ऐसे अंदर घुसा दिया जाता है, कहीं कहीं पे चेरी को ऐसे ऊपर चेरी पहले छिड़का जाता है और उसके बाद उसको किसी चीज से उसको अंदर घुसा दिया जाता है, उसी तरह उसी को बोलते हैं इम्बेडेड। इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इनटू इट मोर और लेस अनयूनिफॉर्मली टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि ताकि ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल हो जाए। मोस्ट स्टेबल का मतलब होता है न्यूट्रल हो जाना, ठीक है। दिस मॉडल ऑफ एटम इज नोन एज पाम पुडिंग मॉडल और राइजिंग पुडिंग मॉडल और वाटर मिलन मॉडल। अच्छा वाटर मिलन, अब थोड़ा थोड़ा तुमको समझ में आ रहा, वाटर मिलन मतलब तरबूज में देखियो बिच्चा क्या रहता है, बीच में रहता है, साइड में बिच्चा नहीं मिलता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए कुछ इस तरह से ध्यान देना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है, पर एज ए होल ये देखो यहाँ पे इसीलिए इंडिकेटेड किया गया, दिस इज इलेक्ट्रॉन और ये स्फीयर कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव स्फीयर, स्फीयर कैसा है, पॉजिटिव स्फीयर है और ये अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। आई होप सबको ये बात समझ में आई होगी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई, सबको ये बात समझ में आ गई क्लियर। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से एक छोटा सा रिकैप, एटम एज ए होल कैसा है, पॉजिटिव स्फीयर होता है। एटम एज ए होल कैसा होता है, पॉजिटिव स्फीयर होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं हम लोग, घुसा देते हैं, कैसे, अनयूनिफॉर्म मैनर में, ठीक है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, पर प्रोटॉन जो, सॉरी प्रोटॉन नहीं, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंप्लीट में फैला हुआ रहता है, समझ में आ गई होगा। अब आते हैं भाई, ये था थॉमसन का मॉडल। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, जब ये मॉडल आ गया इसके बाद आया क्या, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। अब थोड़ा समझते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल क्यों आया, क्योंकि थॉमसन बोला था मोस्ट ऑफ द पार्ट, ज्यादातर पार्ट किसी भी एटम का कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो रदरफोर्ड का दिमाग चला कि ठीक है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम अगर कहीं से अल्फा रे लेते हैं, अल्फा रे मतलब हीलियम 2+, ठीक है, हीलियम 2+ को अगर हम इंसिडेंट कराते हैं किसी एटम में, तो मैक्सिमम जगह तो रिपल्शन होना चाहिए, क्योंकि भाई तुम्हारा एटम कैसा है, पॉजिटिव, और रेडियम पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्शन होना चाहिए, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वो क्या किए, एक परफॉर्म किया क्या, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल या फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए। उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि वो एक सोर्स लिए, ठीक है, रेडियम का एक सोर्स लिए जिससे क्या निकलता है, अल्फा रे, जिससे क्या निकलता है, अल्फा रे, ठीक है, अल्फा रे निकलता है। और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन मतलब समझते हो, मतलब जिसपे अगर स्ट्राइक करे, जैसे मान लो हम बोले कि ये मेरा फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ध्यान देना ये मेरा फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, कैसे पता चलेगा, ध्यान देना सबको, मान लो हम यहाँ पे स्ट्राइक किए, कैसे पता चला, देखो एक डॉट आया ना, उसी तरह हम यहाँ पे स्ट्राइक किए, देखो एक डॉट आया ना, हम यहाँ पे स्ट्राइक किए, एक डॉट आया ना, तो जहां जहां जाके वो स्ट्राइक करेगा वहां पे एक स्पॉट देगा, वैसे स्क्रीन को बोलते हैं हम लोग फ्लोरोसेंट स्क्रीन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। तो उसी तरह ये वाला अल्फा एक सोर्स लिया, अल्फा सोर्स है बेसिकली वो रेडियम लिया था, तुम कोई दूसरा बेसिकली कोई भी अल्फा सोर्स काम चल जाएगा, अगर बहुत सारे किताब में लिखता है अल्फा सोर्स है, ठीक है, अल्फा सोर्स लिया और एक लिया गोल्ड फॉइल, है ना, देखो पीला कलर का गोल्ड, है ना, चलो तो गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल इसमें स्ट्राइक किया, जैसे ही गोल्ड फॉइल में स्ट्राइक किया, ध्यान से देखो कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ना, ये जाके सीधा एकदम जहां से आया था उसी लाइन में चलते हुए इस एरिया को स्ट्राइक किया,
ये बेसिकली इस एरिया में स्ट्राइक किया। कुछ अल्फा पार्टिकल्स कहां गया, इस तरफ गया, कुछ अल्फा पार्टिकल्स इधर गया, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, बाउंस बैक किया। उसको एक गजब का चीज लगा, उसको लगा कि भाई अगर थॉमसन का मॉडल सही था तो थॉमसन तो अपने हिसाब से एटम को बोला था पॉजिटिव स्फीयर, है ना। थॉमसन क्या बोला था एटम को, एज अ पॉजिटिव स्फीयर, और उसमें कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन है, और हम पॉजिटिव से पॉजिटिव को टकरा रहे हैं, और मैक्सिमम रे सीधा पास कर जा रहा है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया मामला, तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आई बात समझ में, कहीं पे तो मामला गड़बड़ है। तो वो फिर इसी चीज को अपना, इस चीज को वो ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा दिया, और ऑब्जर्वेशन क्या दिया, ध्यान देना कि मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स मतलब Hg2 प्लस आयंस कितना परसेंट, 99% पास थ्रू दी गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब मैक्सिमम 99% जो अल्फा रेज है, 99% जो अल्फा रेज है वो क्या किया, गोल्ड फॉइल को पास कर दिया बिना किसी डिफ्लेक्शन का, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट क्या बोला, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, वॉज डिफ्लेक्टेड बाई स्मॉल एंगल्स, मतलब मान लो सीधा चल रहे जैसे रास्ते में चल रहे हैं और किसी से टकराए, तो बेसिकली टकराए तो हो सकता है साइड थोड़ा साइड टकरा गया, तो थोड़ा होता ना सॉरी बोल के निकल जाएगा, बात समझ में आ रही होगी। अब क्या हुआ, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, 1 in 20,000, मतलब 20,000 में 20,000 अगर अल्फा रे पास हुआ है तो एक रे ऐसा था जिसमें क्या हुआ, सीधा सीधी वो बाउंस बैक किया, बाउंस बैक मतलब टकराया और आ गया, जैसे रोड में चल रहा है जनरली हम लोग ध्यान से थोड़ा सा इधर उधर बात करते चलते हैं तो होता क्या, कभी कभी अंधा लग गया तो बोलते हैं ना सॉरी, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ तो दिक्कत नहीं, बट मान लो तुम बात कर रहे हो, अगला ही बात कर रहे हैं, हाँ जी कैसा है हाल चाल, एकदम जाके डायरेक्ट एकदम ऐसे ऐसे वाला कोलिजन हो जाए तो फिर आगे का कार्यक्रम तो जानते ही, उसमें बताने वाली बात तो है नहीं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो वैसे हर दिन थोड़े होता है, वो कभी या 2 साल 4 साल 5 साल में एक आध वो ऐसा केस आ जाता है कि भाई लग गया, वो भी गरम हम भी गरम, बस आओ ना ताओ में चलो मिलते हैं, समझ में आ रही बात। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो गया, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 20,000, मतलब 20,000 में एक ऐसा अल्फा पार्टिकल है जो गया टकराया और वापस आ गया। अब रदरफोर्ड इसमें क्या ऑब्जर्व किया, उसको ये पता चल गया कि पूरा एटम तो पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अगर पूरा एटम पॉजिटिव होता तो ज्यादातर डिफ्लेक्ट कर जाता, ज्यादातर डिफ्लेक्ट करता या फिर रिफ्लेक्ट करता, पर ऐसा तो हुआ नहीं, ज्यादातर तो पास कर गया, और पास तो तभी करेगा जब वो पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव तो रिफ्लेक्ट करता है ना। आई बात समझ में। तो ये चीज कौन बोला, रदरफोर्ड ये समझ गया, और उस बेसिस को रखते हुए ध्यान से सुनना, इसी बेसिस पे वो एक अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया, अपना कुछ पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है। अब वो पोस्टुलेट क्या है थोड़ा सा समझते हैं, जरा देखो कमाल का। तो मेन पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, सबसे पहला पोस्टुलेट था मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। चूंकि उसका एक या दो ही अल्फा पार्टिकल्स का मतलब होता है Hg2+, मतलब उसे दो पॉजिटिव चार्ज है और वो जा रहा है किसी से टकरा के वापस आ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगला ज्यादा मजबूत है, तभी तो वो गया हिट बैक किया, बात समझ में आ रही है। मतलब उसका कहना था कि पूरा जो एटम का मास है ना, कोई एक सिंपल एक छोटे से जगह में कंसेंट्रेटेड है, मतलब वहीं पे केंद्रित है, ठीक है। और वो केंद्र जो है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, वो केंद्र कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, कौन कहा, रदरफोर्ड का, जिसको वो नाम दिया क्या, न्यूक्लियस, क्या नाम दिया, न्यूक्लियस, सबको बात समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो किसके कारण होगा, प्रोटॉन्स के कारण होगा, ऑब्वियसली प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं ना। थर्ड पॉइंट बोलता है जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो प्रोटॉन्स के आसपास बहुत हाई स्पीड में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोटॉन के चारों ओर बहुत हाई स्पीड में रिवॉल्व करते हैं, या न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत हाई स्पीड में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और जिस एक्सिस के अलोंग या जिस ऑर्बिट के अलोंग, जिसके अलोंग वो रिवॉल्व करते हैं, उसको वो नाम दिया ऑर्बिट। तो ऑर्बिट का मेन किस्सा तो बोर दिया था, बट टर्म थोड़ा बहुत रदरफोर्ड का भी था। और इससे वो ये जो पार्ट है ना, इसको वो कंपेयर किया किससे, सोलर सिस्टम से। ध्यान से चीज को समझते हैं, सोलर सिस्टम। वो बोला कि जैसे सूर्य को केंद्र करके बाकी सारे ग्रह जो है चारों तरफ मूव करते हैं ना प्लेनेटरी मोशन में, तो उसी तरह यहां पे भी सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस, और बाकी बगल में कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इसको प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। बेसिकली कहीं पे भी तुम्हारे जितने मेरे नोट्स है उसमें कहीं ये टर्म नहीं लिखा हुआ है, पर इस चीज को मैं नॉलेज के लिए बता दे कि रदरफोर्ड मॉडल को ही प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। आई बात समझ में, और क्यों कंपेयर किया ये भी मैं बता दिया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ जुड़ा हुआ है तो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब कोई पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर कहीं कहीं पे कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोला जाता है। आई बात समझ में। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, ध्यान देना, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, क्योंकि एटम एज अ होल न्यूट्रल था, कौन बोल दिया था, थॉमसन। ये बात उसका एकदम सही था भाई, बहुत बड़ा ये सक्सेसफुल चीज वो डिफेंड किया था कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यही उसका एक सबसे बड़ा काम था, बाकी और वैसा कुछ काम किया नहीं था बेचारा। ठीक है, तो उसी चीज को ये भी बोला कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन जितना नेगेटिव चार्ज है एटम के अंदर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, और पॉजिटिव चार्ज किसके कारण, प्रोटॉन के कारण। समझ में आ गया। और एज अ रिजल्ट द एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आई होप सबको समझ में आ गया। उसके बाद मोस्ट ऑफ दी स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। अब देखो ये कहां से आया था, क्योंकि थॉमसन बोला था कि सारा एटम पॉजिटिव चार्ज है ना, और उसमें कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन है। पर जब रदरफोर्ड इस चीज को एक्सपेरिमेंट किया, वो देखा कि भाई मैक्सिमम जगह से तो पास कर गया, Hg2 प्लस है, वो भी प्लस है, तो मैक्सिमम से तो पास कर गया, टकराया कहां, तो इसीलिए वो टर्म दिया कि बोला कि इसका मतलब ज्यादातर जो एटम है ना वो क्या है, खाली है, उसमें कुछ नहीं है, टकराने वाला चीज ही नहीं है, बस एक ही जगह दैट इज न्यूक्लियस, जहां पे जाकर टकरा सकता है। समझ में आई होगी बात। इसीलिए बोला मोस्ट ऑफ दी स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। अब देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब मेरे दिमाग में, हम लोग के दिमाग में काम चल सकता है कि भाई ये बताइए सर, फिर इलेक्ट्रॉन तो एटम के चारों ओर घूम रहा है ना, और न्यूक्लियस उसको पकड़ा हुआ है, तो एक क्वेश्चन आता है ना, तो जब न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही बेचारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो न्यूक्लियस उसको अंदर खींच लेना चाहिए ना, फिर वो खींच आता क्यों नहीं है, उसको तो अंदर आ जाना चाहिए। तो रदरफोर्ड बोला एक बहुत लाजवाब चीज, वो बोला कि जैसे मान लो एक चीज सबको यहां पर समझना होगा, जैसे मान लो ये मेरा एक एटम है, यहां पे मेरा न्यूक्लियस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है बहुत हाई स्पीड से घूम रहा है। एक टाइम आएगा जब अगर इलेक्ट्रॉन को हम छोड़ दें तो वो कहां जाएगा, वो बाहर की तरफ। कभी देखना, कभी पत्थर में रस्सी बांध के ऐसे घुमाए, बहुत तेज घुमाना और छोड़ देना, किधर जाएगा, बाहर की तरफ। कभी तुम पे गिरा क्या, नहीं, तो वो हमेशा किधर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। समझ में आ रही बात, सबको ये बात समझ में आ रही होगी। यही चीज वो बोला कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन पे ना इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें दो फोर्स एक साथ लग रहा है, एक फोर्स जो अंदर की तरफ कौन लगा रहा है, न्यूक्लियस, एक फोर्स कौन लगा रहा है, न्यूक्लियस है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है,
ठीक है, अभी बताएं जो एक पॉजिटिव नेगेटिव लगाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन चूंकि बहुत हाई स्पीड से घूम रहा है तो वो एक फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा है, समझ में आ रही बात, वो एक फोर्स कहां लगा रहा है, बाहर की तरफ लगा रहा है, दैट इज इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, समझ में आई बात। और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, समझ में आई बात, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, मतलब ना तो इस फोर्स के चलते इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ रहेगा और इस फोर्स के चलते इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएगा, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो इलेक्ट्रॉन इसी में घूमेगा, समझ में आई होगी बात, सबको समझ में आई बात, आई होप क्लियर है यहां तक। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट है तो एकदम कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली विद इन 24 आवर्स उस डाउट का भी हम लोग समाधान देंगे, ठीक है। चलो, तो वही चीज लिखा है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजिंग ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बैलेंसेस द कूलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलंबिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ऑफ द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन इट्स पाथ, इलेक्ट्रॉन उसी पाथ में घूमते रहेगा, ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। ये कुछ मेन पॉस्टुलेट कौन दिया था, रदरफोर्ड, ये कुछ मेन पॉस्टुलेट कौन दिया था, रदरफोर्ड। तो हम लोग देखें दो मॉडल, एक थॉमसन मॉडल, एक रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। चलो, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां तक आया सबको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद आता है, क्या रदरफोर्ड मॉडल परफेक्ट मॉडल था, क्या इसमें कोई गलती था, क्योंकि थॉमसन में तो था गलती, हम लोग को रदरफोर्ड बता दिया, क्या रदरफोर्ड मॉडल परफेक्ट था, तो उस समय तो पता नहीं चला, पर बहुत सालों बाद एक साइंटिस्ट आया जो माना जाता है उस जेनरेशन का वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट था, क्योंकि वो हर फील्ड में काम किया था, मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल। वो बोला कि रदरफोर्ड जो कह रहा है एकदम सही है कि भाई न्यूक्लियस बीच में रहता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, बट यहां पे एक थ्योरी आया, तब तक एक थ्योरी आ चुका था जिसको बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है, क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर दो ऑपोजिट चार्ज, ध्यान से सुनना इस चीज को, इस थ्योरी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर दो ऑपोजिट चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अगर एक दूसरे को एक्सिलरेट करे, मतलब एक दूसरे को एक्सिलरेट करे, मतलब पॉजिटिव अगर नेगेटिव को अपने चारों ओर घुमा रहा है, या नेगेटिव अपने चारों ओर पॉजिटिव को घुमा रहा है, तो उस केस में सिस्टम क्या होता है, स्टेबलाइज करता है, सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। और हम लोग को पता है जितना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा एनर्जी उतना घटता है, आयो सबको ये सब पता है, जितना स्टेबिलिटी बढ़ता है एनर्जी उतना कम होता है, क्योंकि कम एनर्जी में ज्यादा स्टेबिलिटी है, ठीक। और इसके करेस्पॉन्डिंग क्या हुआ, वो जो सिस्टम है कंटिन्यूअस अपने से एनर्जी लूज करते जाता है, आई बात समझ में। और एक टाइम ऐसा आएगा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, एक टाइम आएगा कि रदरफोर्ड जी आपने जो बोला उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन तो एक टाइम आके क्या होगा, न्यूक्लियस में घुस जाएगा, और अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन ही घुस गया तो एटम का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म, स्टेबिलिटी ही खत्म हो गया ना, जो कि नहीं है, क्योंकि एटम तो एग्जिस्ट करता है, स्टेबल भी है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ गया था किसके थ्रू, मैक्सवेल के थ्रू, और मैक्सवेल के यहीं से सबसे बड़ा नाम स्टार्ट हो गया, क्योंकि रदरफोर्ड उस जमाने में बहुत पहुंचे हुए साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल अपना स्टार्टिंग जब इस बात पे किया रदरफोर्ड के थ्रू, जैसे एक साइंटिस्ट और था इन फ्यूचर, मैक्स बॉर्न, ठीक है, मे बी आप लोग सुनोगे मैक्स बॉर्न के बारे में। बॉर्न का जो स्टार्टिंग था ना, वो माना जाता है आइंस्टीन का जहां डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, वहां मैक्स बॉर्न अपना स्टार्ट किया था जर्नी को, ठीक है। तो उसी तरह रदरफोर्ड के अगेंस्ट में जब ये बात आया किसका, मैक्सवेल का, तो मैक्सवेल को बहुत सब कोई सोचने लगा, रहे ये क्या बोल गया, आई बात समझ। चलो हम लोग देखते हैं वो कैसा है, थोड़ा सा देखो, ये है थ्योरी, ध्यान दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सीलरेटेड, जब चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को एक्सीलरेट करते हैं, मतलब मूव करवाते हैं, तो वो क्या करता है, इमिट रेडिएशन, वो रेडिएशन इमिट करता है, देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विल इमिट रेडिएशन,
वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी ऐसे घूमेगा तो रेडिएशन इमिट करेगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगा, मतलब ये ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज आएगा और धीरे धीरे घूमते 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 एक टाइम आएगा जब वो कहां आ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। और इस तरह से रदरफोर्ड बेचारा क्या हुआ, फेल हो गया एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये रदरफोर्ड का एटम के बारे में कहना था। बेसिकली रदरफोर्ड का मेन जो सक्सेस था वो क्या था, न्यूक्लियस का डिस्कवरी करना। रदरफोर्ड सबसे क्या बात किया था, न्यूक्लियस के बारे में वो सारा चीज सही बोला था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उसके बाद आया था, न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी रहता है, पर कोई भी तब तक नहीं जाना था न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है। सबको को पता था कि भाई थॉमसन जी एकदम सही बोले थे, थॉमसन एकदम पक्का था, पर रदरफोर्ड इस चीज को खारिज किया कि नहीं, न्यूक्लियस होता है और मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम उसी के अंदर रहता है, जो बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको हम लोग प्रोटॉन के कारण होता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग अभी तक हम लोग कवर किए दो मॉडल्स, क्या था, एक थॉमसन मॉडल, एक रदरफोर्ड मॉडल। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर मॉडल्स के बाद मैं उसके बेस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव तो भाई डायरेक्ट लेक्चर्स वगैरह है ही, तुम आप लोगों को पीडीएफ भी इवन, अच्छा एक मिनट, मैं एक्साइटिंग न्यूज देना भूल गया था, हर लेक्चर के बाद उसका पीडीएफ कॉपी उसके लिंक में रहेगा, ठीक है। तो आप वहां से पीडीएफ इजिली इंस्टॉल कर सकते हो या डाउनलोड करके अपना नोट्स वगैरह प्रॉपर वे में बना सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई रदरफोर्ड और इसका सारे चैप्टर्स का मिलेगा, ठीक है, हो सकता है किसी का हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाए, या फिर हो सकता है किसी में जैसे तुम्हारे नॉर्मल नोट्स है वो भी मिल जाए, पर मिलेगा सबका पक्का, ठीक। तो अगर किसी को अगर वीडियो में डाउट है तो चार बार पांच बार वीडियो देख लो, अच्छे समझ में आएगा। अगर उसमें भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर मेरे को फलाना जगह में समझ नहीं आया, प्लीज आप थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को एक्सप्लेन कर देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा एक सेपरेट 10 मिनट का वीडियो का उसको एक्सप्लेन कर देने का, ठीक है। तो चलो यहां तक आएगा सबको समझ में आ गया। अब हम लोग चल रहे हैं आगे क्वेश्चन सेक्शन में, मल्टीपल चॉइस बेस्ड ऑन दीज टू मॉडल्स। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या कमाल का क्वेश्चन है, देखो दोनों, इफ द थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम वाज करेक्ट देन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट वुड हैव बीन, मतलब अगर थॉमसन का मामला सब कुछ सेट रहता, थॉमसन अगर सही बोलता, बोला नहीं है, मान लेते क्वेश्चन जो बना, अगर थॉमसन सब कुछ सही बोलता तब रदरफोर्ड का मॉडल में क्या चेंज आता। पहला देखो, अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स एंड विद रिड्यूस स्पीड, मतलब अल्फा पार्टिकल गया मेटल को धक्का दिया, ठीक है, और धक्का देने के बाद क्या होगा, वो अपना डिफ्लेक्ट कर जाएगा, और जो डिफ्लेक्ट जिस स्पीड से वो जाएगा डिफ्लेक्शन के बाद उसका स्पीड भी घट जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या बोल रहा है, अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एंगल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, बेसिकली ये और ये कुछ हद तक सेम ही है, बस इसमें बोला विद रिड्यूस स्पीड, इसमें कुछ नहीं बोला, ऑल अल्फा पार्टिकल्स गेट बाउंस बैक बाय 180 डिग्री, भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, भाई सब यार सब बाउंस तो कर नहीं सकता, सिंपल सवाल, डिफ्लेक्ट तो होगा, जब सारा एटम ही पॉजिटिव चार्ज हो जाता तो कुछ तो डिफ्लेक्ट होगा ही, कुछ डिफ्लेक्ट होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, सारा रिफ्लेक्ट तो नहीं हो सकता। All the alpha particles pass through the gold foil without decrease in speed. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कैसे सारा पास कर जाएगा, जब एटम ही को हम लोग मान रहे कि थॉमसन का मॉडल सही है तो एटम तो पॉजिटिव चार्ज है, सारा पास तो कर ही नहीं सकता, सारा पास तो नहीं कर सकता ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्शन सी और डी गलत है, ऑप्शन सी और डी गलत है, ऑप्शन ए और बी, तो ऑब्वियस सी बात है, जरा तुम इमेजिन करो, मान लो तुम रास्ते में जाते 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 किसी ने टकराए तो तुम्हारा स्पीड बढ़ता है कि घटता है, ऑब्वियस है घट जाता होगा, टकराने के बाद स्पीड बढ़ता नहीं है, टकराने के बाद स्पीड घट जाता है, तो ऑप्शन पहला होगा, ऑप्शन पहला फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन वन होगा भाई, ऑप्शन वन आई होप सबको समझ में आ गई होगी, पहला क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, नेक्स्ट आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ अनस्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द एटम हैज कौन सा, अरे बताओ कौन सा, न्यूक्लियस, कौन सा बताया था, न्यूक्लियस के बारे में। अभी हम लोग जस्ट उसी पे प्रोटॉन मत लिख देना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है पॉजिटिव चार्ज, पर वो बताया क्या था पहला, न्यूक्लियस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द, किसके साइज के बारे में बात किया था, न्यूक्लियस, किसके साइज के बारे में बात किया था, न्यूक्लियस, क्योंकि रदरफोर्ड का मैक्सिमम काम ही न्यूक्लियस पे था, तो ऑब्वियस है न्यूक्लियस के बारे में बताएगा। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लेड्स टू द कंक्लूजन दैट, क्या बताया था, मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड, नहीं, मास और एनर्जी का तो कुछ जिक्र ही नहीं किया था, न्यूट्रॉन्स के बारे में तब तक तो पता ही नहीं चला था, न्यूट्रॉन्स का भी हम बताए तब तक तो आविष्कार भी नहीं हुआ था, वो तो चैटरिंग किया था, द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट विद द मैटर कैन बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड, नहीं, इंपैक्ट से उसको कोई लेना देना नहीं था, कौन था, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्टेन सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, क्या ये बात सबको समझ में आ गई होगी, सबको ये बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विच स्टेब्लिश द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम यूज्ड एज ए बीम ऑफ, रदरफोर्ड अपने न्यूक्लियर मॉडल में किस चीज का यूज किया था, है ना, तो बीटा पार्टिकल तो यूज ही नहीं किया था, बीटा और गामा का तो कोई सवाल ही नहीं आता, हम लोग क्या जानते हैं अल्फा, है ना, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल हीलियम को बोलते हैं। अब हीलियम एक में एटम है एक में न्यूक्लियाई है, ध्यान सब चीज को समझना, हीलियम एटम का मतलब होता है एच ई, हीलियम एटम का क्या होता है एच ई, ठीक है, बट हीलियम न्यूक्लियाई का मतलब होता है एच ई पे उसका कुछ चार्ज होना, दैट इज एच ई टू प्लस, है ना, एच ई टू माइनस, ये हीलियम न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियस तो हीलियम का है, मतलब उसमें प्रोटॉन तो दो ही होंगे पर इलेक्ट्रॉन चेंज भी हो सकता है, बट हीलियम एटम का हम लोग फिर उसमें प्रिफरेंशियली हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि एच ही होना चाहिए, तो हीलियम न्यूक्लियाई विच इन इम्पिंग ऑन ए मेटल फॉइल एंड गॉट स्कैटर्ड, तो हीलियम न्यूक्लियाई दैट इज ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर इज द करेक्ट ऑप्शन, आई बात समझ में। अब यहां तक हम लोग बात कर लिए दो मॉडल्स पे, दो मॉडल्स पे हम लोग बात कर चुके हैं, एक थॉमसन मॉडल एक रदरफोर्ड मॉडल, और इसके बेस में जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर ग्रेजुएशन सिलेबस बोर्ड्स थ्योरी, वहां से सबको अच्छे से क्लास करना है, और जितना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भाई चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को बजा के रखो ताकि घंटी बजते रहना चाहिए, जैसे ही वीडियो आए घंटी बज जाए, आई बात समझ में, और ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाओ भाई चैनल, क्योंकि बीच में बहुत सारे दिन तक हम लोग थोड़ा सा बाहर थे तो हम लोग चैनल में उतना ज्यादा वीडियोस भी नहीं दिए थे, पर अब हम लोग रेगुलर हो गए, तुम्हारे लिए एकदम ग्रेजुएशन का पूरा कोर्स कवर करेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।